इस बीच बात अब मुद्दों की कर लेते हैं। विपक्ष की ओर से जाति का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश में सिर्फ चार जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, जिसे साधने के लिए अब बीजेपी हर मोर्चे पर तैयारी शुरू कर चुकी है। बीजेपी में महिला मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा तक को टारगेट दिया जा रहा है, जिसमें राम मंदिर के संदेश को घर घर तक पहुंचाने की बात भी कही गई है। दरअसल आज लखनऊ में यूपी बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक हुई है, जिसमें जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक के चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई। तो वहीं अब 25 जनवरी के बाद बीजेपी जिलावार सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस दौरान महिला, युवा और किसान पर खास फोकस रहेगा। वहीं मुस्लिम वर्ग को भी साधने की रणनीति पर तैयारी की जा रही है। आपको दिखाते हैं इसी पर खास रिपोर्ट। ...2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा और पीडीए का झगड़ा है। विपक्ष राजनीति में व्यस्त है। दलित यादव वोट बैंक की सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के इतर बीजेपी का फोकस मोदी की बताई चार जातियों पर है, जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसान शामिल हैं। पीएम मोदी ने देश में चार जातियां बताई थी, जिसे साधने के लिए अब उत्तर प्रदेश में मंथन हो रहा है और उन तमाम मोर्चा और विंग को मंत्र दिया जा रहा है जो इन चार जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। बीजेपी ने सभी मोर्चों को जिम्मेदारी सौंप दी। महिला मोर्चा नारी शक्ति का संदेश देंगे, अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिमों को साधेंगे, युवा मोर्चा विकास का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश में हर उस वर्ग को साधने की रणनीति तैयार की गई है, जिससे 80 सीटों पर विजय पताका लहराया जा सके। मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक की और ये बड़ी बैठक सभी मोर्चों की आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उनकी आज संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई और लोकसभा चुनाव की मोर्चेबंदी की गई कि आखिर किस रणनीति से लोकसभा चुनाव जीतना है, इस पर मंथन किया गया। इस बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा समेत भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं उनके प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में यही वो वोट बैंक है जो किसी को सत्ता दिलाने और दिल्ली की सत्ता पर जीत का परचम लहराने के लिए जरूरी है, जिस पर एक बार फिर बीजेपी की पैनी नजर है और अभियान के जरिए हर घर दस्तक भी दिया जा रहा है। यूपी में क्षेत्रीय समीकरण को साधना मकसद है, जातीय समीकरण को फिट करने की कोशिश की जा रही है, महिला, युवा, किसान और गरीबों को जोड़ा जा रहा है, राम मंदिर का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी अब उन मुद्दों, उन योजनाओं के साथ जनता के बीच पहुंच रही है जो 2024 में रामबाण साबित होगा। देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बहुत कम समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 24/7 काम करने वाले हमारे पास नेता हैं, हमारे पास कार्यकर्ता हैं और मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है। इसके द्वारा पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रचार प्रसार करती है, विभिन्न क्षेत्र में लोगों को जोड़ती है। यानी लखनऊ में हुई इस बैठक में वो रणनीति तैयार हुई है जिसे अब अभियान की शक्ल दी जाएगी, जिसमें राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया है, तो वही महिला, युवा और किसानों को भी जोड़ने की प्लानिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।